चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट के अंदर 25 से हम जिलों का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में धूमधाम से मनाई गई रविदास जयंती पर मंत्री ने किया शोभा यात्रा का फीता काटकर उद्घाटन। हमीरपुर में योगी प्रार्थना पत्र देने जा रही महिला को पुलिस ने रोका, बेहोश होकर गिरी महिला ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में संतान न होने पर विवाहिता को ससुराल वालों ने दिया जहर, पीड़िता ने कार्रवाई हेतु एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। आगरा में मुखबिर की सूचना पर आरपीएफ ने 3 महिला और 1 पुरुष सहित गांजा तस्कर को दबोचा, गिरफ्तार आरोपियों के पास से 62 किलो गांजा बरामद। रामनगर में तेज गति से आते हुए टैंकर ने बाइक में सवार 3 लोगों को रौंदा, जिसमें 1 युवक की मौके पर ही हुई मौत। आगरा में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा, कोर्ट के आदेश पर 10 लोगों पर हुआ है मुकदमा। शामली में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही आई सामने, सूचना पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर तिमारदारों में भारी रोष। बिजनौर में कुछ दबंग व्यक्तियों ने घर में घुसकर की गरीब परिवार के साथ मारपीट, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी हुए मौके से फरार। श्रावस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर की जमकर मारपीट, दबंगों ने महिला समेत बुजुर्गों को जमकर पीटा। देहरादून में पुलिस ने आचार संहिता में 532 अपराधियों को किया गिरफ्तार, इस दौरान पुलिस ने करोड़ों की शराब की जब्त। यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ के 3 दर्जन एमबीबीएस छात्र, परिजनों ने सरकार से फंसे छात्रों को एयरलिफ्ट कराने की करी है मांग। कासगंज में माघ पूर्णिमा का स्नान आज रहा पूरे दिन जारी, आपको बता दें कि सोरोहर की पौड़ी और लहर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बस्ती में बीजेपी विधायक लिखी गाड़ी में मिली शराब की खेप, जिससे कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच करी शुरू। बांदा में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने, गरीब मरीजों को लिख रहे बाहर हजारों की दवाई। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा, हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। प्रयागराज में माघ मेला पर 5वां स्नान पर्व, आज माघी पूर्णिमा स्नान के साथ आज खत्म हो जाएगा कल्पवास। बिजनौर में सीमेंट की दुकान में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन से टकराकर किसान की हुई मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में बैंक एजेंट और बैंक मैनेजर ने साठगांठ करके गरीब महिला से 4,40,000 की रकम हड़पी, गरीब महिला को झूठा आश्वासन देकर कागजात पर दस्तखत करवाए। एटा में दहेज में नहीं मिली गाड़ी तो पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, जिसके बाद विवाहिता ने लिया 3 तलाक कानून का सहारा। इटावा में विद्युत विभाग की लापरवाही से बिजली की चपेट में आकर बुजुर्ग की गई जान, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत, कार में पति पत्नी 2 बच्चे समेत 6 लोग थे सवार। आगरा में प्रेमिका के परिजनों से आहत सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मरने से पहले वीडियो बनाकर बताई आप बीती। अलीगढ़ में लकड़ी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में हुई भीषण भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, महिला समेत 2 लोग घायल।